हरे कृष्णा। सच सच बताइए, कितने लोग डरते हैं शनि की साढ़े सत्य से, शनि की दशा से, ढैया से, दृष्टि से? बहुत लोग, और बहुत लोग नहीं भी डरते। पहले ये इस टाइप का डर लोगों को, भारत के लोगों को होता था। अब तो भारतीय सभ्यता का प्रचार पूरे विश्व में है, वेदांगों का प्रचार पूरे विश्व में, तो विश्व भर में लोग, अरे सैटन, साढ़े सती, वो लोग तो सैटन मतलब शैतान भी बोलते हैं, मतलब कि शनि की दशा, मतलब सब बर्बाद, शनि हमें बर्बाद करने के लिए आया है। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, डरने की जरूरत नहीं है। जो डरते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, और जो नहीं डरते उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शनि सबको डराने के लिए नहीं आता। शनि को न्यायाधीश बोला गया है, भारतीय ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश बोला गया है। जिसके जिस प्रकार के कर्म होते हैं उसी प्रकार का फल शनि सबको देता है। अब जैसे एक जज है, एक मजिस्ट्रेट है, एक न्यायाधीश है, जो कि ईमानदार है, ईमानदारी से अगर अपन किसी व्यक्ति की सजा सुनाता है तो वो गलत नहीं हो सकता। अब इस संसार के अंदर जो कानून के रखवाले कहेंगे हम, या जो भी शब्द कहें उनके लिए, वो जो न्यायाधीश है वो गलती कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सेंसेस बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और शनिदेव भगवान के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश है, वो गलती नहीं करते। और कई बार लोगों को लगता है कि अरे भैया हम थोड़ा शनिदेव की पूजा कर लेंगे, थोड़ा सा तेल चढ़ा देंगे, मतलब बेसिकली लल्लो चप्पो करके शनिदेव को हम पटा लेंगे, हमारे को कष्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। शनिदेव को आप मक्खन तेल लगा करके खुश नहीं कर सकते। जो आपने पाप किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, ये शनिदेव का नियम है। ईमानदार व्यक्तित्व है वो, और स्वभाव से क्रूर होना भी पड़ेगा इस जिम्मेदारी में। और क्रूर स्वभाव से होने के कारण वो जल्दी से किसी से मानने वाले भी नहीं है। और महाराज विक्रमादित्य की कथा में भी हम सुनते ही हैं कि विक्रमादित्य स्पष्ट बोलते हैं शनिदेव से, हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप किसी को उसके कर्मों से ज्यादा फल नहीं दे सकते, मतलब कर्मों से ज्यादा दुख नहीं दे सकते, ना ही कम दे सकते हैं। आपकी ड्यूटी है भैया, आप ड्यूटी निभा रहे हो, तो फिर क्या समझा। और फिर ये शनिदेव ऐसा करते क्यों है? शनिदेव भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जिससे आपको थोड़ा साढ़े सत्य का भी पता चले। एक बार, वैसे तो शनिदेव जो है विवाह करना नहीं चाहते थे, फिर भी माता पिता के, है ना, अभी कई सारे लोग ब्रह्मचारी लोगों को शादी इसलिए भी करनी पड़ती है कि भैया माँ बाप की प्रसन्नता के लिए, या जो भी कारण, उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद भी वो मुख्य रूप से जो है ना हमेशा ठाकुर जी की सेवा में इन्वॉल्व रहते थे। उनके पास शालिग्राम शिला है, उसमें उन्हीं की पूजा उपासना में। ऐसे करते करते सेवा में इतना उनका मन रमा रहा, कई साल बीत गए। अब एक दिन क्या हुआ, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और उसी समय रजस्वला स्नान के बाद, मतलब ऋतु स्नान के बाद उनकी पत्नी बाहर आती है। रजस्वला मतलब जब अपने पीरियड्स को क्रॉस करने के बाद स्नान करती हैं, तो उस समय स्त्री के हृदय में और स्त्री के जो देह में वेग बढ़ चुका होता है भोग करने का पुरुष के साथ, मैथुन इत्यादि के लिए, और साथ ही साथ संतान प्राप्ति की भी इच्छा रहती है। तो वो शनिदेव के पास पहुंची, शनिदेव का कुछ हेल्प करती थी सेवा में। जैसे शनिदेव रुके थोड़ा सा पूजा में, तो बोली, हे प्रभु, मुझे भी संतान की कामना है, कितने वर्ष हो गए मैं आपकी सेवा में हूँ, मुझे भी संतान की कामना है, मैं स्त्री हूँ, एक स्त्री के हृदय में स्वाभाविक संतान की कामना होती है। शनिदेव का मन इतना रमा हुआ था ठाकुर जी में, वो अचानक अपनी पत्नी से बोले, आप कौन? अरे भैया, ये सुनना था क्या था कि उनकी पत्नी बड़ी क्रोधित हो गई, और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि 7.5 साल हो गए मुझे आपकी सेवा करते हुए, और अब आपने मुझे क्या बोल रहे हो कि कौन हो तुम? 7.5 साल खराब हो गए मेरी जिंदगी के, जिस पे आपकी दृष्टि पड़ेगी उसकी जिंदगी के 7.5 साल खराब। हरी वो बन गई 7.5 सत्य की दशा। शनिदेव इतने अच्छे स्वभाव के, उन्होंने दृष्टि नीचे रख करके चलना शुरू कर दिया, नहीं नहीं मेरी वजह से किसी को कष्ट। पर वो है तो भगवान के भक्त, उनको जब पता लगा कि भगवान की व्यवस्था थी, क्योंकि न्यायाधीश है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उनको, ठाकुर जी की व्यवस्था थी। और अब भक्तों का क्या अनुभव रहा है समाज में, क्योंकि वो भगवान के भक्त, जिस पे दृष्टि, जिस पे सारे शक्ति आई, तो देखा गया है कि मैक्सिमम जो भगवान के भक्त हैं, या तो उन्होंने भक्ति जो शुरू करी है शनि की साढ़े सत्य में शुरू करी, कई लोगों ने जो ग्रह त्याग किया, जो बड़े सन्यासी संत प्रवृत्ति के लोग हैं, शनि की साढ़े सत्य या दशा में त्याग किया। बहुत सारे भक्तों का ही अनुभव है। जब हमने घर छोड़ा,
हमें नहीं मालूम था कि हमारे पर शनि की क्या दशा चल रही है, क्या साढ़े शक्ति चल रही है, क्योंकि उस समय हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। पर जैसे हमने थोड़ा ज्योतिष पढ़ा तो अरे देखा, आहा, शनि की साढ़े शक्ति, तो हो सकता है कि अगली साढ़े शक्ति में संन्यास ले लिया जाए। पर खैर उस समय शनि की साढ़े शक्ति थी और हमने घर छोड़ा और भक्तों के समाज में आए, भक्तों का संग प्राप्त किया और हमारा शुद्धिकरण हुआ। वास्तव में शास्त्र बताते हैं कि जब शनि की साढ़े शक्ति या शनि की दशा चलती है उसमें जो कष्ट आते हैं वो वास्तव में बाहरी कष्ट नहीं, मानसिक कष्ट ही ज्यादा होते हैं जीवन में, परंतु वो कष्ट व्यक्ति को शुद्ध करते हैं, तराशते हैं, उसके अगले जीवन का भविष्य का निर्माण करते हैं। और व्यक्ति को पता चल जाता है शनि की दशा में साढ़े शक्ति में कि इस संसार में कौन हमारा है और कौन पराया। हाँ, गीत है ना, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा। ये कब समझ में आता है? जब शनिदेव की कृपा बढ़िया से जब वो हमारी धुलाई करते हैं तो समझ में आने लगता है, अरे ये लोग जो हमारे आगे पीछे टोलते थे वास्तव में कोई हमारा नहीं, सब दिखावटी संसार है। और फिर समझ में आने लगता है कि हमारा असली सहारा कौन सा है, असली हमारा प्रेमी कौन है। शनिदेव का काम है ना हमारे को सही रियलाइजेशन दिलाना। फिर भक्त गाता है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। आहा वाह, शनिदेव की कृपा से पता लग जाता है भैया ठाकुर जी की शरण ले लो। ये शनिदेव का व्यवहार है। देखिए भगवान के भक्त हैं वो। और अगर हमारे जीवन में टेस्ट ना आए, अगर हमारे जीवन में कष्ट ना आए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप बोले जी हम बिना एग्जाम के कैसे, आप क्लास में भी पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बिना एग्जाम के आगे जाते हैं ना? आपको बड़ी बड़ी कुछ नौकरी करनी है, IPS बनना है, IAS बनना है, क्या आप बिना किसी एग्जाम के आगे बढ़ेंगे? नो, यू हैव टू गो थ्रू हार्डशिप। तो शनि वो हार्डशिप देते हैं जिससे कि आप आगे जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन के असली लक्ष्य को समझ सकें। शनि वो हार्डशिप देते हैं और साथ ही साथ शनि हमारे को रियलाइजेशन देते हैं कि निकला कैसे जाए। तो शनि वो हार्डशिप देते हैं। तो बताइए कहाँ से हुए बुरे शनि? पर अब हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि पीड़ा तो होती है, पीड़ा तो होती है, तो प्रभु शिक्षा दो पर कम कष्ट के साथ। ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मानसिक उत्पीड़ना उतनी रहे कि आसानी से हम आगे बढ़ सकें, मन भजन में लग सकें, ये हो सकता है विचार। तो अब हम देखते हैं कि उसके लिए कई लोग रेमेडीज करते हैं, कई तरह के उपचार करते हैं, कई प्रकार के उपाय करते हैं। छोटे थे हम देखते थे हमारी माता जी जो हैं अब पीपल के पेड़ पे जाती थी, दीपक जलाती थी तिल के तेल का, वापस मुड़ जाती थी। अब बोला गया था कि मुड़ के नहीं देखना, तो हम सोचते थे ये क्या बात हुई। अब एक बार वैष्णव महाराज बता रहे थे कि शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण का निवास होता है पीपल में, और किसके भक्त हैं? शनिदेव नारायण के। तो जब आप लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए पीपल के पेड़ पे जाकर के तिल का दीपक जलाते हो, और ये जो पीछे मुड़ के ना देखना कंसेप्ट है, ये पता नहीं कैसा कंसेप्ट है, हमारे शास्त्रों का अनुमोदित नहीं। अगर कोई दीपक जलाता है बल्कि परिक्रमा करता है ये भाव करके कि अरे यहाँ पे तो लक्ष्मी नारायण विराजमान है, शनिदेव क्या करेंगे बेचारे? शनिदेव कहेंगे ये खुद ही भक्ति कर रहा है, तो उसकी उत्पीड़नाएं कम कर देंगे। और एक बार ब्रह्मा जी की सभा में भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ और वहां शनिदेव भी थे, तो शनिदेव ने बहुत सुंदर जो है स्तुति गाई, इसको कहा जाता है शनिश्चरकृत नरसिंह स्तुति। नरसिंहदेव प्रसन्न हुए, नरसिंहदेव प्रसन्न हो गए तो शनिदेव से बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी दशा से लोग परेशान होते हैं, मेरी दृष्टि से लोग परेशान होते हैं, जो आपकी शरण ले ले बस, क्योंकि मेरे को तो श्राप है, मैं कष्टों का निवारण नहीं कर पाऊंगा, परंतु आप तो सारे श्रापों से सारे वरदानों से परे स्वयं भगवान हैं, आपके चरणों में एक प्रार्थना है जो मेरी दशा से कुपित हो, पर अगर वो आपकी शरण ले लें तो आप उस पर कृपा करना, उसका जीवन सफल हो जाए, अपने जीवन की उन्नति को प्राप्त करें, बिना कष्ट के भक्ति में आगे बढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें, सफलताओं को प्राप्त करें। नरसिंहदेव बोले तथास्तु। हमने कई बार बोला भक्तों को जिनको शनि से बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही होती है, क्योंकि खाली भक्ति नहीं करें ना, गृहस्थ आश्रम में तो धन इत्यादि भी कमा रहे हैं सब, तो जिनको इस प्रकार की समस्या लग रही होती है उनको बोलते हैं एक काम कीजिए, एक दीपक जलाइए तिल के तेल का और बैठ करके नरसिंहदेव का मंत्रोच्चारण कीजिए। श्रीमद् भागवतम में नरसिंहदेव का उपासना की गई ना, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो भगवते नरसिंहाय,
क्या करते हैं नरसिंह देव, हर प्रकार के भय का नाश करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस तेजसे, आविराविर भाव वज्र नख वज्र दंस्त्रान कर्माशयान, रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस, ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठाम श्रोम। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम, ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो दिया, मनाश्च भद्रम भजता दधोक्षजे, आवेश्यताम नो मतिरप्य हेतुहि, मागारादात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्याद् भगवत प्रियेशुनः, यः प्राण वृत्त परितुष्टात्मान सिद्धत्य दूरान तथेन्द्रिय प्रिया। हे नरसिंहदेव, आप सब प्रकार के भयों का नाश करने वाले, रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस, हृदय से तमोगुण का नाश करें, मेरे हृदय से भयों का नाश करें, इस पूरे विश्व का कल्याण करें। खल प्रसीदताम, जो दुष्ट चेतनाएं लोगों में फैल रही हैं उनको शुद्ध करें। हे प्रभु, आप मुझे धन दें ना दें, आपके चरणों में एक निवेदन है, जितनी मेरी आवश्यकता है उतना प्राप्त करके मैं संतुष्ट रहना सीखूं। धन होना ना होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, धन होकर के संतुष्ट हो जाना और ना होने पर भी पीड़ित ना होना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हे प्रभु, आप हम पे कृपा कीजिए, हमें संतुष्ट रहना सिखाइए और आपके भजन में रहना सिखाइए। ओम नमो भगवते नरसिंह। केवल नरसिंहदेव की शरण लेने से, नरसिंहदेव ने वरदान दिया भैया, उनकी बातें गलत नहीं होती, भगवान सत्यवाचन है, और उन्होंने बोला है कि शनिदेव चिंता मत करो, तुम्हारी ये इच्छा है मैं इसको पूरी करता हूँ, जो मेरी शरण लेगा भले ही उसके कर्म फलों के अनुसार उसको कष्ट ज्यादा मिलना चाहिए था, और उसको केवल उतना कष्ट मिलेगा जिससे उसको बेसिक रियलाइजेशन आ जाए और वो अपने जीवन में सफलताओं की तरफ बढ़ेगा, बल्कि शनि ग्रह के शुभ फल को प्राप्त करेगा। और क्या बताएं, शनि देव को बताया गया है हम ज्योतिष शास्त्र में, जो मासिस है, जो लेबर है, भीड़ है, उन सबका कारक बताया गया। जब आपको कष्ट हो रहा है, देखेंगे कि जिनको शनि का अच्छा फल मिलता है वो बड़ा प्रसिद्ध भी जल्दी हो जाता है। तो अगर किसी को शनि की दशा सता रही है उसको क्या करना पड़ेगा, लेबर क्लास के जो लोग हैं उनकी सेवा करें, उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, और मासिस में मतलब जन कल्याण का कार्य करें। अब जन कल्याण का लोग कार्य करते हैं, हमने देखा है लेबर को जाकर के कुलचे छोले खिला के आते हैं कि भैया चलो जी लेबर खुश तो हम भी खुश, है ना, पकौड़े खिला के आते हैं कि लेबर खुश तो हम भी खुश, हाँ शनि की दशा अच्छी हो जाएगी हमारे लिए। थोड़ा विचारनीय बात है, टेम्परेरी रिलीफ देंगे वो भले ही इस वर्ग के कारक जरूर हैं, परंतु परमानेंट रिलीफ थोड़ा फिर आपके कर्मों का मिलेगा आपको, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी किसी दूसरे रास्ते से आएंगी, फिर क्या किया जाए। अगर आप भगवत गीता, हमने कई लोगों को बोला और वो उनको लाभ भी हुआ, क्या कीजिए, भगवत गीता वितरण कीजिए, और दिन नहीं करते तो शनिवार की शाम को जाइए, गार्ड बैठे हैं आपकी सोसाइटी में, लेबर है जो पढ़ सकती है गीता, एटलीस्ट उनको भगवत गीता दीजिए, वो खरीद नहीं सकती तो आपसे ले सकती है, आप भगवत गीता का दान कीजिए उनको, देखिए शनिदेव आपके लिए कितने शुभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जन कल्याण का ऐसा कार्य किया है जो उसका छोटा मोटा रोटी कपड़ा मकान वाला काम नहीं करेगा, रोटी कपड़ा मकान की मुसीबतों से परमानेंटली बाहर निकालने का काम करेगा, परम कल्याण करेगा। गीता पाठ के आइए, कुछ खिलाना है तो ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद खिलाइए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी भी प्रकार से ठाकुर जी का आश्रय लेते हैं, भगवान के ज्ञान का वितरण करते हैं, भगवत गीता का वितरण करते हैं, भगवत प्रसाद का वितरण करते हैं, श्री नरसिंहदेव का आश्रय लेते हैं, निश्चित रूप से शनि हमारे को शुभ फल देंगे। शनि तो क्या, अगर भगवान नरसिंहदेव का आश्रय लेंगे तो सारे ग्रह शुभ फल देने लगेंगे। भगवान पूर्व में जो है, भगवान का जो अवतार है वो शनिदेव से ही प्रकट हुए, मतलब हैं स्वयं भगवान पर जिस मार्ग से आए हैं तो वो शनिदेव के मार्ग से आए हैं, मतलब शनि ग्रह के मार्ग से। इसलिए अगर कोई भगवान कूर्मदेव का प्रणाम करता है, उनकी शिला को प्रणाम करता है, ओम नमो भगवते महाकूर्माय, शनिदेव उसको भी अच्छा फल देने लगते हैं, क्योंकि उनके जो जिन जिस ठाकुर जी के रूप से उन्होंने विशेष कृपा प्राप्त करी उसकी आप उपासना करते हैं तो शनिदेव अच्छा फल देने लगते हैं, क्योंकि उनके अधिष्ठाता देव हैं कूर्मद भगवान। शनि धीरे धीरे चलता है, धीरे 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 धीरे, और भगवान कूर्मदेव धीरे धीरे, कूर्म अवतार मतलब कच्छप अवतार, कच्छप कछुआ, धीरे चलता है। तो कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा हो, पराशर होरा शास्त्र में स्टार्टिंग में ही महर्षि पराशर बताते हैं, ग्रह रूपी जनार्दना, सारे जो ग्रह रूप हैं
ये भगवान जनार्दन ही हमारे अलग अलग कर्मों का फल देने के लिए हमारे ऊपर उनका प्रभाव डालते हैं। और फिर आप अगर शनिदेव की अलग से उपासना करते हो या अलग अलग ग्रहों की उपासना करते हो, उससे लाभ मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको बोला है कि अगर आपकी कोई पूजा करता है तो आपको उसको फल देना पड़ेगा। परंतु याद रखिए, परमानेंट रिलीफ नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ है। परमानेंट रिलीफ तो केवल भगवान श्री हरि की शरण लेने से ही है। आप अगर भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा देव का आश्रय लेते हैं, श्री हरे कृष्ण महामंत्र का गंभीरता से उच्चारण करते हैं, सभी प्रकार के ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं, शनि देव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शनि से डरिए मत, शनि तो वास्तव में हमारे मित्र हैं, भक्तों के लिए तो हमारी बिरादरी के हैं, हमारी भक्ति में सहायक हैं। बस उनको हमारे साथ शुभता से फल दे सके या हमारे को कष्ट जो देने हैं वो इस प्रकार से दें कि हम आगे बढ़ सके। तो जब हम ठाकुर जी का आश्रय लेते हैं, हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमारे कर्मों का फल ना मिले, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्मों का फल तो मिलेगा। परंतु क्या होगा, जब ठाकुर जी का आश्रय लेंगे तो वो फल इस प्रकार से मिलेगा कि हम उसको आसानी से झेल जाएंगे और आगे अपने जीवन में बढ़ते चले जाएंगे सफलताओं की ओर। तो हमारे को शक्ति प्राप्त होगी, हमारे को वो जो रियलाइजेशन देना चाह रहे हैं शनि, हमारे को वो आसानी से मिल जाएंगी रियलाइजेशन, और उन रियलाइजेशन के बूते हम अपने जीवन की सफलताओं को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। और इस संसारिक सफलताओं का तो कहना क्या, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आपका अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न है इस विषय से संबंधित, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम पूरा प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का सही उत्तर देने का। हरे कृष्णा।